निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देके रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो भारत के मौलिक कर्तव्यों में जिसे अपन ने शामिल किया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51 का, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51 का, इस जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51 का, इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 का के तहत ही मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। और 51 का के अंदर दोस्तों आता है आपका छ, इस छ में ही उल्लेख है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को हमको संरक्षित करना चाहिए। ये कायमी उल्लेख है, ये छ के अंतर्गत उल्लेख है। तो बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय मौलिक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मतलब आपको यहाँ पे चार चीज़ देख रखी है, चार में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, किस चीज़ का संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है। तो देख लेते हैं अपन इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वन्य प्राणी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका वन्य प्राणी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51, इसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में ये बात की गई है, वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात कही गई है। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बोलोगे कि सर तो क्या राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका आदर करना आपका मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना, आदर करना आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कहीं की संरक्षण की, आदर करने में और संरक्षण करने में दोनों में फर्क होता है। अगर आपसे पूछे कि कौन किस चीज़ का संरक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य है, तो आंसर होगा आपका डी, वन्य प्राणी का संरक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि किस चीज़ का आदर करना आपका मौलिक कर्तव्य है, तो आपका होगा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे आदर की बात आएगी तो अपन राष्ट्रीय ध्वज को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कहीं की संरक्षण की, इसीलिए अपन ने चुना है किसको, वन्य प्राणी को। जी हाँ दोस्तों, अपन ने किसको चुना है, वन्य प्राणी को। तो बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। जी हाँ दोस्तों, अपने यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो दोस्तों, भारत की जो एकता है, अखंडता है, इसको आपको क्या रखना है, इसकी आपको रक्षा करना चाहिए और इसको अक्षुण बनाए रखना चाहिए। तो ये सभी आपके क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मतलब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देके रखे, इनमें से ऐसा बताना है कि कौन सा आपके मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 17, इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को अंत करने की बात कही गई है। क्या की गई है दोस्तों, अस्पृश्यता को अंत करने की बात कही गई है और अस्पृश्यता को अंत करना आपका मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों, ये आपका मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता को अंत करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। और आपसे यहाँ पे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो अस्पृश्यता को समाप्त करना ये आपका मौलिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर। बाकी के जो आपके ऑप्शन थे, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, प्लस प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संरक्षण की बात करनी है, अब ये आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो अपना मैं आपको यहाँ पे क्लियर एक चीज़ आपको यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51 का झ, जी हाँ दोस्तों, कौन सा आर्टिकल 51 का झ, इसके अंदर वर्णन किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे यहाँ पे बात की जाती कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना क्या आपका मौलिक कर्तव्य है, तो आपको बोलना है कि हाँ, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और उसकी सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन यह बोला गया राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। इन दो ऑप्शनों को आप जरा ध्यान से समझो, एक ऑप्शन है आपका बी वाला और एक ऑप्शन है आपका क्या, सी वाला। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखे रखे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय गान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का भी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है बी और एक ऑप्शन है सी। अब इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है। अब दोनों में से अगर अपन को किसी, वैसे दोनों ही सही है अगर वैसे अगर आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे जो भी खेल हो रहा है वो शब्दों का खेल हो रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों सही है, लेकिन शब्दों का खेल हो रहा है। अब राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, इन दोनों में से अगर अपन को चुनना पड़े, तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है मैंने अभी अभी आपको बताया 51 का दोस्तों झ, इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है सार्वजनिक संपत्ति की बात कही गई है, तो इसीलिए अपन लगाएंगे क्या, बी। बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो क्या है? नहीं है। क्लियर। और यहाँ से पूछा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सॉरी बी वाला है, मतलब आपका सी ऑप्शन गलत है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि बी वाला आपका मौलिक कर्तव्य है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के झ में किया गया है। क्लियर। देखिए बी और सी दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। या राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें या संपत्ति की बात करें, तो झ में स्पष्ट रूप से संपत्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि सी में संपत्ति शब्द का उल्लेख नहीं हो रहा है। बस आप इसको इतना समझ लो। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। भार के प्रत्येक नागरिक को भारत के, जी हाँ दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा भारत। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वो रक्षा करे, ये काय में लिखा गया है, तो देख लेते हैं। ये 51 का, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 का जो छः वाला जो पार्ट है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपके प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। बढ़ते पर अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों शामिल किए गए, मतलब किसकी सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान के अंतर्गत अपने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए गए थे। और ये 42वां संवैधानिक जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1976 में, और आंसर आएगा स्वर्ण सिंह समिति। या तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही इन चीज़ों को अपने शामिल किया था। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आदर करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है, आपसी भाईचारा आप बढ़ाना भी आपका मौलिक कर्तव्य है, प्लस भारत की जो संस्कृति है, धरोहर है, इसकी रक्षा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरुदेव का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो देख लेते आंसर क्या। आंसर है तीसरा, सी डी, सॉरी दोस्तों, कौन सा तीसरे स्थान पर रखा गया है। एकता अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण बनाए रखे कायम में, तीसरे
मूल कर्तव्यों को में तीसरे पॉइंट पर रखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये बात तो सही है कि भैया मौलिक कर्तव्यों को अगर आपको बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनको प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। जी हाँ दोस्तों, जो परमादेश होता है ये एक प्रकार की रीट होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें कि आपके जो मौलिक अधिकार है वो अगर मौलिक अधिकारों का अगर क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश रीट जारी करता है। क्लियर दोस्तों? लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो इसीलिए आपका आंसर ए वाला नहीं होगा क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में लागू होता है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप बनाओ ये आपका मौलिक कर्तव्य होता है, प्लस संविधान के प्रति आपकी निष्ठा रखें, उसका आदर करें, सम्मान करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है संपत्ति की, ध्यान से समझिए, तो ये भी आपका मौलिक कर्तव्य। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ए, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है, हमारी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है इसकी भी, इसका सम्मान करें, ये भी आपको मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पंचायतों की बात कहीं पर भी मौलिक कर्तव्यों में नहीं की गई है। तो आंसर होगा सी, सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत है। क्लियर? इसमें ये पूछा गया कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सी वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप सभी को पता है 51वें में जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का ही मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दोस्तों, ये गलत है। बाकी के जो ऑप्शन है आपके वो सारे के सारे क्या है, सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। अगर अपन मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये अलग अलग आर्टिकल के, दोस्तों अगर अपन मौलिक उनकी बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो जो मौलिक अधिकार है ये अलग आते हैं दोस्तों, और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनका भी उल्लेख अलग अलग जगह किया गया है। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में क्या है, अलग है। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार? ये आते हैं 12 से 35 में। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, मौलिक कर्तव्यों की, तो ये आते हैं 51 का में। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। तो बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को गिनाए गए, तो ये भी बात सही है। अभी अपने चेक करा इसको, मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, सही है। लेकिन आंसर होगा ये, क्लियर, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि आपने, अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे किसी गरीब से गरीब निर्धन परिवार के स्टूडेंट से ज़रूर शेयर कर देना, जो दोस्तों पैसों के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते। मेरा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस से फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लें। ऐसे कई बच्चे जो प्राइवेट कोचिंग में जाने में असमर्थ है वो भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े। तो इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक छोटा सा लाइक करके दोस्तों आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, कमेंट करके आपके सुविचार आप मुझ तक जरूर पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य और अनमोल अगर कोई धरोहर है तो वह दोस्तों आपका समय। आपके जीवन की सबसे अनमोल धरोहर आपका समय आपने मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद।